जंग जारी है, रूस अब नहीं रुकेगा। यूक्रेन ने मांगे और हथियार, नाटो ने कहा मैं हूं ना। यूक्रेन के विभिन्न इलाकों खासकर बूचा से सामने आई खौफनाक तस्वीरों ने दुनिया में खलबली मचा दी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से रूस को निलंबित कर दिया। बता दें कि भारत ने सर्वोच्च मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने पर मतदान में भाग नहीं लिया। वहीं यूक्रेन ने देश के पूर्वी क्षेत्र में युद्ध के मंडराते बादलों के मद्देनजर पश्चिमी देशों से एक बार फिर हथियारों की आपूर्ति की अपील की। वहीं नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को और अधिक हथियारों की आपूर्ति करने पर सहमत हो गए। बता दें कि आज युद्ध का 44वां दिन है। यूक्रेन में जंग ने देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। बूचा में हुए नरसंहार के बाद रूस की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। इन सबके बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 193 सदस्य देशों वाली महासभा ने मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने के प्रस्ताव पर मतदान किया, जिसके बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 93 और विरोध में 24 मत पड़े, जबकि 58 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इधर यूक्रेन ने देश के पूर्वी क्षेत्र में युद्ध के मंडराते बादलों के मद्देनजर इस क्षेत्र के निवासियों को वहां से निकल जाने की सलाह दी है और पश्चिमी देशों से एक बार फिर हथियारों की आपूर्ति की अपील की। यूक्रेन में आम लोगों पर अत्याचार की खबरों के बीच नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को और अधिक हथियारों की आपूर्ति करने पर सहमत हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।